दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहां पृथ्वी जैसे ही जीवन हो। वहीं लगातार ऐसी खबरें वायरल होती रहती हैं कि हम इंसानों के अलावा एलियन भी इस ब्रह्मांड में कहीं पर रह रहे हैं, और वैज्ञानिक इसी सवाल के जवाब की खोज में बीते दशकों से लगे हुए हैं। लेकिन क्या वो एलियन को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे और पृथ्वी से दूर कहीं जीवन है? तो आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। यदि इस ब्रह्मांड में कहीं पर एलियन है तो आखिर कहां पर है? कैसे उठा था यह सवाल कि एलियन होते हैं? 2000 साल से पहले जब अंतरिक्ष यान की कल्पना भी नहीं की थी, तब लुजियाना नाम के यूनानी लेखक ने पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था। उन्होंने इस किताब में कुछ यात्रियों की कहानी लिखी थी जो एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच गए, और यह सफर उन्होंने 7 दिनों में तय किया था। और आज रॉकेट से चांद तक जाने में इसका आधा समय ही लगता है। किताब में आगे लिखा है कि वहां चांद के राजा सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा था, और उनकी सेनाएं भी काफी अजीब तरह की दिखाई दे रही थी, यानी हम इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहां पर सूर्य की सेना और चंद्र की सेना आपस में लड़ रही थी। चांद पर पंख वाले घोड़े थे, जोड़ सकते थे, और लोग भी काफी अजीब तरह के थे। इन्हें एलियन ही मान सकते हैं। इस घटना के 800 साल बाद 10वीं सदी में जापान के अंदर एक और कहानी सामने आई थी। इसमें जिक्र मिलता है कि एक व्यक्ति जो बांस काट रहा था, और उसे एक दिन बांस काटते समय उसके अंदर रोशनी दिखाई दी। जब उसने बांस में अंदर देखा तो वहां एक नन्ही बच्ची थी। आदमी उस बच्ची को घर ले आया और उसे पालकर उसने बड़ा किया, और लड़की ने बताया था कि वो चांद से है। अब ये बात भी सच है दोस्तों कि चांद के बारे में बहुत समय तक लिखा गया है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चांद हमारी पृथ्वी से साफ दिखाई देता है, जबकि शुक्र और मंगल दिखाई नहीं देते हैं। इसके बावजूद मंगल के बारे में भी अब हम काफी कुछ जान गए हैं। 1870 के दशक में एक इटालवी खगोल वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखा था। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से लिखते हुए बताया कि मंगल की सतह पर नालियों जैसी लकीरें हैं, और लोगों को लगा कि वो नहरों की बात कर रहे हैं। इसी के बाद से ये धारणा बननी शुरू हो गई कि मंगल ग्रह पर रहने वालों ने ही वहां नहरें खोदी हैं। इस घटना के बाद पोलैंड के एक पादरी ने भी किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने मंगल पर रहने वाले लोगों का जिक्र किया था। इन लोगों की लंबाई 9 फीट थी और ये शाकाहारी हुआ करते थे। उन्होंने पहली बार इनके लिए मार्शियन शब्द का प्रयोग किया था। इसी समय रेडियो पर H.G. वेल्स की किताब द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का नाटकीय रूपांतरण प्रसारित किया गया। इस कहानी को इस तरह से सुना गया कि जिन्होंने इसे सुना उन्हें लगा था कि मार्शियन ने पृथ्वी पर हमला किया है। दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज में इंसान ने क्या क्या किया है? 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंड ड्रैक ने कहा था कि एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक सिग्नल भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान विकसित करने के लिए रेडियो तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, और ऐसा हो भी सकता है कि एलियन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें उनके सिग्नल को पकड़ना है, या फिर हमें एक ऐसा सिग्नल उन तक पहुंचाना है जो उनकी पकड़ में आ सके। सेंथ शोस्टेक, जो कि एक वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक है, वह बीते 4 सालों से ऐसे ही एलियन के सिग्नल को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रेडियो एंटीना का मुंह नजदीकी तारों की तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि अगर एलियन वाकई में सिग्नल भेज रहे हैं तो उसे पकड़ा जा सके। वो 2 तारों पर नजर रखे हुए थे। दिलचस्प बात यह थी कि दोस्तों की एक तारे से उन्हें सिग्नल नहीं मिला, लेकिन दूसरे से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी थी। उन्हें लगा उन्होंने एलियन को ढूंढ लिया है, हालांकि ये सेना का कोई विमान भी हो सकता था। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एलियन की खोज को सेटी इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया था। रेडियो तरंगें आसानी से जा सकती हैं, और सेठ रेडियो रिसीवर पर जो आवाज सुनना चाहते थे वो कुछ अजीब थी, और ये असल में किसी एलियन का सिग्नल नहीं थी, बल्कि सेठ ने सिमुलेशन से इसे तैयार किया था ताकि समझा जा सके कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके लिए उन्होंने लाखों रेडियो फ्रिक्वेंसी को देखना था, फिर उन्हें कैसे पता चलता कि आखिर पहले किसे देखना है? यह बड़ी समस्या थी। एलियन ने यह संदेश तो भेजा नहीं था कि किस फ्रीक्वेंसी पर मुझे ट्यूनिंग करना है। ऐसे में सेठ को हर फ्रीक्वेंसी को चेक करना था, और ये समय को बर्बाद करना ही था। इसलिए उन्हें ऐसे रिसीवर चाहिए थे जो सभी चैनल एक साथ सुन पाए। जब एक खगोल वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप का डेटा देख रहे थे तो उन्हें तेज और फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल मिले। उन्हें तब यह लगा कि यह एलियन के सिग्नल है। वो बहुत खुश थे। उन्होंने डेटा के पास वाव लिखा था, हालांकि उन्हें असल में क्या मिला था ये सेठ नहीं जानते थे। आकाश के उसी हिस्से में फिर कुछ और लोगों ने भी तलाश की, लेकिन उन्हें कभी कुछ ऐसा नहीं मिला। इसलिए ऐसे में 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो एलियन थे या फिर पृथ्वी पर ही किसी चीज की आवाज थी। कई लोगों के लिए ये एलियन के सिग्नल का उदाहरण था, लेकिन सही मायने में सालों की खोज के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिला था। अब सवाल ये उठा था कि सरकारों,
का ऐसे प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए खर्च करना सही है या गलत, इसका कोई नतीजा ही नहीं निकले। 1980 के दशक की शुरुआत में सेंटी इंस्टीट्यूट को जो मदद मिल रही थी वो बंद कर दी गई। हालांकि यहाँ एलियन की खोज का अंत बिल्कुल नहीं हुआ। कैपलर डेविड ग्रीनस्पून एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं और प्लेनेटी साइंस इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। वे अंतरिक्ष अनुसंधान पर नासा के सलाहकार रह चुके हैं। उनका कहना है कि एलियन की खोज को लेकर भरोसा इसलिए भी कम हुआ है कि अब तक ज्यादा ग्रह खोजे नहीं गए थे, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत के बाद वैज्ञानिकों ने अपने सौरमंडल में नए छोटे ग्रहों के साथ साथ ड्वार्फ ग्रह खोज निकाले हैं। और एक बार फिर वही सवाल उठा, क्या हमारे सौरमंडल के बाहर ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन हो, यानी कि जिन संभावनाओं को हम हमारे सौरमंडल में ढूंढ रहे थे यहां पर उनका अंत होता दिखाई दिया। और अब एक नए सवाल ने जन्म लिया, क्या हमारे सौरमंडल के बाहर कोई ऐसा ही सूर्य और ऐसा ही ग्रह मौजूद हो सकता है जहां पर जीवन हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। मार्च 2009 में नासा ने कैपलर अंतरिक्षयान लॉन्च किया था, जिसमें टेलीस्कोप वाली एक ऑब्जर्वेटरी थी, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज करना था। कैपलर एक चतुर विचारक था और ये ऐसा था कि धरती से दूर आप एक ऐसी जगह पर उसे रखें जहां से वो पूरे अंतरिक्ष पर नजर रख सके। और कई सालों तक कैपलर ने तारों पर नजर रखी और उसका काम ये देखना था कि किस तारे से जो रोशनी आ रही है वो बदल रही है या नहीं। इसी बीच अगर किसी तारे की रोशनी में बदलाव आता तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे और उस तारे के बीच कुछ गुजर रहा है, ये शायद कोई ग्रह हो सकता है। अगर किसी तारे के टिमटिमाने के पैटर्न का पता चलता है कि कोई चीज उसका चक्कर लगा रही है। कैपलर के जरिए कुछ ग्रह खोजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन 9 साल के समय में उसने इतने ग्रह खोज निकाले जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने 9 सालों में 2000 से भी ज्यादा नए ग्रहों की खोज की थी। अब इन खोजे गए ग्रहों में कितने ग्रह ऐसे हैं जिन पर जीवन हो सकता है, हालांकि इसके बारे में मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि किन हालातों में जीवन पनपता है। हमारे सामने केवल पृथ्वी का ही उदाहरण है। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसे आकार वाला कोई ग्रह अगर किसी खास क्लाइमेट जोन में होता है, जैसे कि हम हैं, वहां जीवन की संभावना हो सकती है। लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि जब जीवन की शुरुआत हो रही थी तो पृथ्वी कैसी थी। इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे आकाशगंगा में से 30 करोड़ ग्रह हो सकते हैं जहां पर जीवन की संभावना है, यानी वो हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। डेविड ग्रीनस्पून के मुताबिक यह खोज वो क्रांति थी जिसमें धरती के बाहर जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिकों की सोच को बदल दिया। अधिकतर खगोल वैज्ञानिकों को लगता था कि उन्हें भरोसा है किसी और ग्रह पर भी जीवन होगा। वैज्ञानिकों को भरोसा है कि पृथ्वी पर नन्हे जीव जो जीवन की शुरुआत का आधार रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। एक नई खोज ने एक बार फिर एलियन की तलाश में दिलचस्पी बढ़ाई है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है, एलियंस मिले तो क्या करेंगे हम। स्टीव डिक जो कि एक खगोल वैज्ञानिक है और विज्ञान के इतिहासकार के साथ नासा में प्रमुख इतिहासकार भी रह चुके हैं, दूसरे खगोल वैज्ञानिकों की तरह स्टीवन को भी यही लगता है कि पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है, लेकिन इसका पता चलने के बाद क्या होगा। स्टीवन डिक ने बताया कि उन्हें जितना पता है, लेकिन हमारी सरकार या फिर किसी और के पास इसकी कोई योजना नहीं है। अगर कहीं हमें एलियन मिल भी जाते हैं तो इसका हम पर क्या असर होगा। उनका यह भी कहना कि हमें अब तक ये भी नहीं पता है कि जिन्हें हम खोज रहे हैं वो कैसे हैं और हमसे मिलकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुए तो हो सकता है कि वो हमें कॉलोनाइज कर लें, और हो सकता है कि वो हमसे कमजोर हुए या फिर एक अलग ही फॉर्म में वहां पर जीवन चल रहा होगा तो शायद इंसान उन पर हुकूमत करने की कोशिश करेगा। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि एलियन अच्छे होंगे। दूसरे ग्रह से आया बैक्टीरिया यहां संक्रमण भी फैला सकता है, यानी कि एलियंस आए तो उनके साथ आने वाला बैक्टीरिया हमारे लिए बिल्कुल नया बैक्टीरिया होगा और वो कोरोना की तरह एक महामारी का रूप भी ले सकता है। हम नहीं जानते कि एलियन की दुनिया में परोपकार का सिद्धांत है भी या नहीं, क्या वो हमें देखकर खुश होंगे या हम पर उन्हें दया आएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिन एलियन को हम खोज रहे हैं वो भी हमें ढूंढने में लगे हों और हमसे मिलने पृथ्वी पर आ जाएं। इससे बड़ा सवाल तो यह दोस्तों, अगर एलियन हमें मिल भी जाएं तो हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे। फिल्म अराइवल में इस बात को बेहतर तरीके से दिखाया गया है कि जिसमें एलियन इंसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको एक ऐसी भाषा चाहिए जिसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में हर चीज को समझा जा सके, यानी एक ब्रह्मांडीय भाषा चाहिए। कुछ लोगों को यह लगता है कि मैथ इसका जवाब हो सकती है, लेकिन इसे लेकर भी कई तरह की थियरीज हैं। कुछ का मानना है कि गणित का आविष्कार किया गया है और कुछ का मानना है कि इसे खोजा गया है, यानी कि गणित पहले से ही विद्यमान है, हमें सिर्फ उसका पता नहीं था। इन बातों के अलावा भी और कई सवाल हैं जो परेशानियों का सबब हो सकते हैं, जैसे हम उन्हें धर्म के दायरे में देखेंगे, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे और धरती की तरफ से उनकी बातचीत
कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र या फिर कोई और? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिए हैं और ना किसी के पास है। स्टीव डिक का कहना है कि हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए, यह हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में पहले से सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम अपने मेन सवाल पर आते हैं, क्या वाकई में एलियन है? यह बात तो हम सभी जानते होंगे दोस्तों कि दूसरे ग्रह पर अभी तक हमें जीवन को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिले। दशकों की खोज करने के बावजूद हम वहीं पर खड़े हैं जहां से चले थे, लेकिन हाँ, इस बीच हमने कुछ उन ग्रहों के ऊपर रिसर्च की है जहां पर हम जीवन मानकर चल रहे थे, लेकिन वहां पर जीवन नहीं है। लेकिन इसके एक अलग नजरिए से यदि हम देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं और उनमें से एक हमारी मिल्की वे है, और हमारी मिल्की वे में भी अरबों खरबों ग्रह हैं। अब ये भी संभव नहीं है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन हो। हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन हो और हमारे जैसा ही हो। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन एलियन हमें खोज लें या फिर हम उन तक पहुंच जाएं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।